मौजूदा समय में बढ़ते हुए प्यार और टूटते हुए दिल को देखते हुए बेतिया में एक भाई साहब हैं जो बेवफा चाय वाला एक चाय का स्टॉल लगा दिए। और अगर आप बेतिया में कभी आते हैं तो यहाँ पे बैठ करके चाय का आनंद जरूर लीजिए। सबसे पहले इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड पे लिखा हुआ बेवफा चाय वाला और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ प्रेमी जोड़े के लिए 15 रुपए की चाय। मतलब प्रेमी जोड़ा आपके अगर आप हैं, मतलब कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं तो यहाँ पे 15 रुपए में चाय पियेंगे। और प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपए की चाय। अगर आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आप बर्बाद हो गए, आप लूट गए, तो आपके लिए यहाँ पे चाय मात्र 10 रुपए। मतलब 5 रुपए आपको छूट इसलिए दिया जाएगा कि आपके दिल को तसल्ली मिले कि हम बर्बाद तो हो गए लेकिन ये चाय वाले भाई साहब जो है हमको थोड़ा बहुत छूट जरूर दे रहे हैं। बाकी ये बोर्ड देख लीजिए, यहाँ पे एक भाई साहब है जो चाय बनाते हुए नजर आए। इनसे हम जानेंगे कि बेवफा चाय वाला नाम रखने का कारण क्या है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम कुमार कार्तिक है। अच्छा कुमार कार्तिक जी, चाय स्टॉल दुकान का नाम दूसरा कुछ भी रख सकते थे लेकिन बेवफा चाय वाला ही क्या रख दिए? अब टूटा है दिल तो बवाल क्या करे, खुद किया तो पसंद तो सवाल क्या करे। मतलब कि दिल टूट गया आपका। हाँ जी। आप प्यार करते थे, क्या हुआ प्यार में, क्या उल्टा पुल्टा हो गया कि आप चाय का दुकान खोल दिए? मेरा एक लड़के से मोहब्बत हुआ। अच्छा। और उससे भी हम मोहब्बत करते थे, वो भी हमसे मोहब्बत करते। पहले हम सिंगिंग करते थे। हाँ। तो ऐसे ही मैंने वो भी बोलती थी कि हमको भी गाना गाना है। ऐसे ही बातों बात में उसको लेके आए स्टूडियो में, गाना गवाए और हिट हो गई, हमको छोड़ के चली। मतलब गाना गाते गाते आप लोगों को प्यार हो गया? जी। प्यार तो हुआ और वो हिट हो गई तो आपको छोड़ के बर्बाद कर दी। अच्छा, प्यार जब किया था तब कुछ कुछ गिफ्ट दिए थे उसको उस समय? हाँ दिए थे। क्या क्या दिए थे? आईफोन एक दिए थे। आईफोन दे दिए थे? मतलब अपने गर्लफ्रेंड को आप आईफोन दे दिए थे? जी जी। आईफोन दिए थे, छोटा वाला दिए थे, 12 वाला भी नहीं दिए थे, उतना भी औकात भी नहीं था। कमा कमा कर दे रहे थे हम, उसमें किस्ता पर लिए थे। फिर क्या हुआ जब आईफोन दे दिया तब क्या हुआ? तो ऐसा ही अब छोड़ के चली गई तो लेके छोड़ के चली गई कि दूसरे से पट गई? हाँ दूसरे से, वही मानिए ना, अब जब लड़के छोड़ती है तो दूसरे से चली जाती है, दूसरे के ऊपर, यही बात है। बस चाय का दुकान खोल दी है, दिल भर क्या होगा। पहले इनका मोबाइल देखिए, ये इनका मोबाइल है, 7-8 हजार का मोबाइल ही चलाते हैं लेकिन गर्लफ्रेंड को आईफोन खरीद के दे दिए। ऐसे ऐसे भी पागल लोग अभी इस दुनिया में है। मकान में मैं कमा कर जो ईटा पत्थर जो होता है ना उसमें कमा कर मतलब पैसा में इकट्ठा करके दिए थे। किसको दिए थे? मैंने दिए थे, किने थे हम फोन, तो उसको हम दिए थे फोन। मतलब अपने गर्लफ्रेंड को दिए थे, मैंने ईटा पत्थर ढो ढो के पैसा कमाए, आईफोन खरीद के गर्लफ्रेंड को दे दिए और आपको धोखा देकर चली गई और घर के मोबाइल चुरा लिए थे। कहते हुए शर्म आ रहा है मगर मैं क्या कर, दिल में तो दर्द है मगर हंसी आ रहा है उस बात को लेकर के हमारा घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि चोरी किया तो वो हमने कहा कि भुला गया, कोई उठा कर लेके चला गया होगा घर में, उसको दिए थे हम, उसको दे दिए। अच्छा, आगे बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि प्रेमी जोड़ा के लिए चाहे 15 रुपया और जिसका दिल टूट गया जो बेवफा हो गया उसका 10 रुपया है। तो बेवफाओं के लिए इसलिए है कि वो बेवफा हो गए, वो तो पहले से बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए 5 रुपया छूट है। और जो प्रेमी जो रहे तो बर्बाद हो रहे हैं, तो लुटा रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसा, इसलिए 5 रुपया ज्यादा। अच्छा, अब तक कितने प्रेमी जोड़ा का चाय पिला दिए? बहुत आते हैं, मतलब आते हैं, बहुत आते हैं। अच्छा, जितने लोग, जितने प्रेमी जोड़ा आपके पास चाय पीते हैं तो चाय के बाद ब्रेकअप हो जाता है या प्यार उनका टिकता भी है? क्योंकि आप तो खुद बेवफा आदमी है। आते हैं तो कोई नंबर भी लिख के ले जाता है देने के लिए, बोलती है मेरा लड़की जा रही है उसको नंबर देना भाई, कलम दे, ये मैं दे देता हूँ भाई, लिख के देता। फिर आता है लोग, हमको भी पार्टी देता है लोग, कुछ खिलाता है लोग, हमको भी ठंडा उंडा पिलाता है लोग, अपना पैसा चाय भी पिलाता है, हमारा ही चाय हमारे को पिलाता था कि तुम्हारे चलते हमारा जुड़ गया प्यार। आप चाय पिलाते हैं तो प्यार जुड़ जाता है लोगों का, ऐसा हमारा कहने का मतलब नहीं है मगर लोग कहते हैं इसलिए। बाकी एक छोटा सा चाय का दुकान, अंदर भी कुछ लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं, चाय का इंतजार कर रहे हैं। मनुआ पुल का है। बाकी ये बेतिया के मनुआ पुल थाना के पास से वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, बगल में हाईवे जो लौरिया के लिए जाती है और आगे जाएंगे तो बेतिया चले जाएंगे। बाकी मुझे लगा कि इनका वीडियो भी आपको दिखाना चाहिए चूंकि जिस तरीके का दुकान बना है, दुकान तो छोटा है लेकिन इसका चर्चा जोरों पे है। यहाँ पे प्रेमी जोड़ा के साथ बेवफा लोग भी चाय पीने के लिए आते हैं। अच्छा, जितने लोग बेतिया में आते हैं जो प्यार करते हैं या जिनका दिल टूटा होता है उनसे क्या कहेंगे आप? वो तो आते हैं तो रोड पर से चिल्लाते हैं कि हमको दिल टूटा है, हमको बेवफा चाय पिलाइए। कोई प्रेमी कपल आते हैं तो बैठ जाते हैं टेबल पर अंदर पर्दा लगा करके और उनके लिए हम लेके जाते हैं। अच्छा, तो दोनों का जो चाय बनाते हैं प्रेमी जोड़ा के लिए और बेवफा के लिए, तो दूध अलग अलग रखते हैं, चीनी अलग अलग, सेम दूध से सेम चीनी से बनाते हैं? सेम दूध और सेम चीनी चाय पत्ती है, मतलब उसमें फर्क ये है कि उसपे मलाई डाल देते हैं थोड़ा। इसमें मलाई डाल देते हैं 15 वाला में, कपल वाला लोग। अच्छा, और बेवफा है लोग तो उनको माना जो प्रेमी जोड़ा आता है उसमें आप मलाई डाल के देते हैं? जी जी। अब बेवफा लोगों को मलाई डाल के नहीं देते हैं। बेवफाओं के लिए, एक बेवफाओं के लड़कियों के लिए एक शायरी है बेवफा तेरे बेवफाई में दिल बेकरार न करे। फिर से है बेवफा तेरे बेवफाई में दिल बेकरार न करे, तू कह दे तो तेरा इंतजार न करे, तू बेवफाई तो इस कदर से बेवफाई कर कि तेरे चले जाने के बाद ये दिल किसी से प्यार ना करे। क्या बात है। बाकी ये चाय बेच रहा है, चाय बना रहे हैं अंदर में। देखिए लोग जो है बैठकर चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ लग जाता है। कितने लोग दिन भर में चाय पीने के लिए आते हैं आपके यहाँ? मतलब 100-150 लोग आ जाते हैं। 100-150 लोग सुबह से शाम तक। उतना भी दुकान नहीं चलता है। अच्छा, आप चाय बेचते हैं, बेवफा को भी देते हैं, प्रेमी जोड़ा को भी देते हैं। किसका संख्या ज्यादा रहता है, बेवफा लोगों का कि प्रेमी? बेवफाओं का संख्या ज्यादा होता है। बेवफाओं का संख्या ज्यादा होता है और प्रेमी जोड़ा का संख्या कम होता है। बाकी मुझे लगा कि भाई से बातचीत करना चाहिए, इसलिए बातचीत कर रहा था। बाकी बेतिया के मनुआ पुल से वीडियो दिखा रहा था, जहाँ पे बेवफा चाय वाला या चाय का दुकान खुला है। आप भी अगर बेतिया में आते हैं, अगर प्यार करते हैं, प्रेमी जोड़ा है, फिर भी 15 रुपए में चाय पीजिए मलाई मार के। और अगर आप बेवफा हो गए, प्यार में धोखा खा लिए, तो मात्र 10 रुपए में चाय पीजिए, आनंद लीजिए और फिर यहाँ से आप मुस्कुराते हुए वापस चले जाइए। बाकी वीडियो को देख के जो विचार होगा बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। जय हिंद।